हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मींस क्या है, पहले तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। इम्पोर्टेंस मींस क्या है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम में किसी भी चीज़ का क्या महत्व होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब किस में हम प्लानिंग कर रहे हैं, इन बिजनेस, बिजनेस में प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर हम पढ़ेंगे, इसके कुछ सर्टेन पॉइंट दे रखे हैं, उन सर्टेन पॉइंट से फाइंड आउट करेंगे कि एक बिजनेस में प्लानिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। पहला पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस का मीन्स क्या है कि प्लानिंग का मीन्स सिंपल सा क्या है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में पहले से ही एक आइडिया तैयार करके रखे हुए हैं, एक क्या नाम है, हम सिचुएशन तैयार करके रखे हुए हैं, एक चीज़ के बारे में हम पहले से ही प्लान बना करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस प्लान के बेसिस पर उस टास्क को परफॉर्म करेंगे, जो भी टास्क हमने डिसाइड किया है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उस प्लानिंग के बेसिस पर वो हमें क्या करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा कि वन बाई वन स्टेप वाइज हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से उस टास्क को परफॉर्म करना है। तो कहने का मीन्स क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस, प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड कराता है, डायरेक्शंस प्रोवाइड कराता है। अगर हमने एक टास्क डिसाइड किया है, उस टास्क को कंप्लीट करना है, तो उस टास्क को किस वे में जा करके हम कंप्लीट करेंगे, उस वे को कंप्लीट करने के वे को हमें वो प्रोवाइड कराएगा कि किस वे में जा करके हम उस टास्क को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। जैसा भी मैंने बताया था कि हमने जब किसी भी टास्क के बारे में कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए एक प्लानिंग तैयार कर रखी है, उस प्लानिंग के बेसिस पर हम उस टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हम प्लानिंग के बेसिस पर उस टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग हमने बनाई होगी वो अपने पास्ट के कुछ चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाई होगी, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बनाई होगी कि पास्ट में हमने कोई भी काम को किया तो उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई और किस तरह से हमने उस को सॉर्ट आउट किया था, उस प्रॉब्लम्स को किस तरह से सोल्यूशन निकाला था, ठीक है। तो फ्यूचर में हम जब, क्योंकि हम जो प्लानिंग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं, तो फ्यूचर में हम अगर उसी वे में परफॉर्म कर रहे हैं और उसी तरह के टास्क में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएंगी। क्यों रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि हमने उस क्या नाम है, उसके बारे में पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर प्लान तैयार किया होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज का मतलब क्या है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज का मतलब है कि प्लानिंग जो है वो अननेसेसरी चीज़ों को हटा देता है, जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज होती है उनको हटा देता है। अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको कम कर देगा। जैसे मान लो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड है कितने, 15, और ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर्म के अंदर 20, ठीक है। तो जो 5 पर्सन हैं, इन 5 पर्सन को हटा देगा, जब प्लानिंग करके हम वर्क कर रहे होंगे तो ये ओवरलैपिंग को हटा देगा, ठीक है। या फिर हमें पता चल जाएगा कि प्लानिंग के बेसिस पर कि जो टास्क हमने डिसाइड किया है कंप्लीट करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, मान लो एक एग्जाम्पल और ले लो कि हमें 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। 1000 यूनिट्स का जब प्रोडक्शन करना है तो 1000 यूनिट के प्रोडक्शन के बेसिस पर ही हम गुड्स रॉ मटेरियल परचेज करके लाएंगे, अब उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करके नहीं लाएंगे। कहने का मीन सिंपल से क्या है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जितनी भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ होती हैं या कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा है, उन सारी चीज़ों को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़ क्या है, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़ का मतलब क्या है, यहाँ पर जब हम किसी भी चीज़ के बारे में प्लान, अब प्लान का क्या है, प्लान हमारी एक मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। जब हम प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या है, मेंटली इन्वॉल्व होते हैं। जब हम मेंटली इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे तरह तरह के आइडियाज़ आते हैं, और उन तरह तरह के आइडियाज़ में से हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं, और उस ऑप्शंस के बेसिस पर हम एक अच्छा अल्टरनेटिव लेकर के आते हैं कि हमारा बिजनेस के लिए ये अल्टरनेटिव सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी, और उनमें से जो अच्छा होगा, जो हमारे बिजनेस के लिए, हमारे टारगेट के लिए सुटेबल होगा, उस टारगेट उसको हम चूज कर लेंगे, ठीक है।
अदरवाइज अगर हम प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो क्या होगा, हम कोई भी टास्क को नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं और अगर हमें उसमें जैसा हमें पता है उसी वे में हमने सीधा सीधा जा करके परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग का मीन्स क्या है कि जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं हमें या मैनेजर को, हमें से मीन्स मैनेजर को, जब एक फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर मैनेज चीज़ों को मैनेज कर रहा है तो वो उसको राइट होता है कि कुछ चीज़ों पर वो डिसीजन ले सके। ठीक है, अगर हमने पहले से चीज़ों के बारे में प्लान बना कर रखा हुआ है, टास्क को कंप्लीट करने के लिए प्लान बना के रखा हुआ है, जैसा कि पहले ऊपर एग्जांपल दिया था कि 1000 यूनिट का हमें प्रोडक्शन करना है, जब 1000 यूनिट का हमें प्रोडक्शन करना है तो उस प्रोडक्शन के पार्ट पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक प्लान भी हमने तैयार किया होगा। ठीक है, तो जब प्लान, अब जब हमने उस पर प्लान तैयार किया तो हमें पता है कि ये टास्क किस वे में जा करके कंप्लीट होगा, वन बाई वन हमें स्टेप बाय चल के उस टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। अगर उसमें डिसीजन कोई किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेने का होगा तो वो हमें प्लानिंग के थ्रू हेल्प मिल जाएगी किस तरह से उसमें हम अपने डिसीजन ले लें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्लानिंग स्टेबलाइज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग स्टेबलाइज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग का मीन्स क्या है, प्लानिंग स्टेबलाइज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग का मीन्स है कि प्लानिंग एक हमें एक स्टैंडर्ड, एक लेवल तैयार करके देता है कि इस लेवल पर टास्क को परफॉर्म करना है, इस लेवल पर हमें अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है, एक क्या नाम है, लेवल डिसाइड करता है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करता है जिसके बेसिस पर हम अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे, या फिर हम गुड्स जो भी चीज़ में गुड्स में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं तो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, अगर हम उससे नीचे या आगे पीछे होकर के बात कर रहे होंगे तो उसमें क्या होगा, वो हमें एक स्टैंडर्ड दे दिया तो उसके बेसिस पर ही हम उस वर्क को कंप्लीट करेंगे, उससे ऊपर नीचे जा करके काम को नहीं करेंगे। अगर काम को कर रहे हैं तो वो हमें कंट्रोलिंग में भी हेल्प करेगा कि ये टास्क अकॉर्डिंग टू प्लान परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी चीज़ें काम हो रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जैसा स्टैंडर्ड प्लानिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया था वैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है, वर्कर्स को जिस तरह से वर्क परफॉर्म करने के लिए कहा गया था उसी तरह से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग हमें एक स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड कराता है जिसके बेसिस पर हम अपने टास्क को ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं।